गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूँ आपकी अपनी मुतवाना इरशाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने वीडियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ, चूँकि रात को मैं वीडियोस बना रही थी 3 बजे तक गाइस, क्योंकि आपको पता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है वीडियोज़ डालने वगैरह के लिए, तो मुझे शौक भी बहुत है व्लॉगिंग करने का। तो जैसा कि मैंने रात में 3 बजे तक वीडियोज़ बनाए बट मैं बोल नहीं पा रही थी, तो उनके पीछे मुझे एक्स्ट्रा लिपसिंग करके डालना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो यस, वो तो मैं करूँगी बाद में, क्योंकि इन कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। यस, तो इस मॉर्निंग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने चैनल क्राइम पार्टनर्स का नाम हटा कर रिमूव करके रख दिया है मुद्वान इरशाद। यस, इसके पीछे मेरे पास एक रीज़न है गाइस, क्योंकि मैंने हमेशा हर अकाउंट, हर चीज़, हर सब कुछ जो मेरी लाइफ की आप कह सकते हैं बिगनिंग स्टार्ट की है ना, वो हमेशा मेरे नाम से स्टार्ट हुई है। तो यस, मैं चाहती थी कि मेरे चैनल का नाम, जो मेरा फर्स्ट चैनल हो, वो मेरा नाम हो ऑफ कोर्स। तो मैंने अपने चैनल का क्राइम पार्टनर्स नाम हटा के मुद्वान इरशाद कर दिया है। यस, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यस गाइस, मेरी आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है। मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर, घर नहीं, सैलून पर जा रही हूँ। तो यस, मिलेंगे उनसे वहाँ जाकर, क्योंकि वो सुबह में अपना लंच लेकर नहीं गई हैं, तो मुझे रोटी बनाकर लेकर जानी पड़ेगी। तो यस, मैं उनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। तो ऑफ़ कोर्स मैं आपसे मिलूँगी वहाँ पहुँच कर। एंड आज मेरे भाई भी आ रहे हैं, तो उनसे भी मिलेंगे और खूब मस्ती करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और भी बहुत कुछ जो कि समझ में आया। तो यस गाइस, मेरा हाथ भी थक गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग वगैरह की नहीं है, तो आदत नहीं रही अब मुझे। तो यस, क्योंकि मुझे ईद के वेकेशंस हुए हैं काफ़ी सारे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मस्ती की जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। और जो इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको कहना भी चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने कर्ली बाल बनाए हैं ना, जो वैसे तो मैं कम ही बनाती हूँ कर्ल्स बाल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है बालों के ऊपर और झमेला है मुझे ना, मतलब हो सकता है अगर कोई पिछला जन्म होता तो शायद मैं लड़का होती है, क्योंकि मुझे बालों को कर्ल्स डालना और ये चीज़ें करना, मेकअप करना, मैं अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों से बहुत। मुझे फ्रेश रहना ठीक लगता है, जस्ट थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया, लिपस्टिक लगा ली, ब्लश ऑन कर लिया थोड़ा सा, और आईब्रोज थोड़े से डार्क कर दिए, दैट्स इट। और हाँ, मैं मस्कारा बहुत ज़्यादा लगाती हूँ ऑफ कोर्स, तो वो जो थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं फेस पे करने के लिए गर्ल्स की, वो मैं प्रीफर करती हूँ हमेशा, बट ज़्यादा मेकअप मैं डीपली मैं नहीं जाती हूँ। मेरी सिस्टर को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होता है कि तू मेकअप नहीं लगाती, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती। तो रात में उसने मुझे मेकअप लगाया था, मेरे बाल कर्ल्स डाले थे और बोला था कि तुम वीडियोस बनाना तो अच्छी लगोगी। तो यस, मैंने थोड़ी बहुत मेहनत तो की है, और वो वीडियो को एडिट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है। यस, क्योंकि मेरे पास कोई एडिटर है नहीं है, तो मुझे खुद ही एडिट करनी पड़ेगी। तो यस, वो वीडियोस जब मैं एडिट करूँगी तब मैं एडिट करूँगी, अभी तो मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ इन्हीं बालों के साथ। और मैंने अपना मेकअप वही जो उसने मुझे लगाया था, जस्ट ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को फ्रेश नहीं किया, मैंने टीथ ब्रश किए हैं, मैंने वाइप्स के साथ अपना फेस थोड़ा क्लीन करके दोबारा से अपना मेकअप जो है वो सेट कर लिया है, क्योंकि मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी जैसे उसने रात को मेरे को मेकअप लगाया था, तो पता नहीं बहुत मेहनत करके। यस, तो हाँ, पता नहीं मेकअप अभी तक वैसा लग भी रहा है या नहीं लग रहा। तो यस गाइस, हम जा रहे हैं देखिए सैलून, और वहाँ जाकर मैं आपसे मिलूंगी। और गाइस, चूँकि मेरी वीडियोस यूट्यूब पे चलना रुक गई है, मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मेरे पास टाइम नहीं होता है वीडियोस बनाने के लिए। फिर भी मैं, मुझे एक्चुअली बचपन से ही शौक था बहुत ज़्यादा कि मैं वीडियोस बनाऊं। मैं आपके साथ अपनी कुछ पुरानी वीडियोस शेयर करूंगी, बहुत जब हम छोटे होते थे, टीनेजर होते थे, तो तब मैं बनाया किया करती थी, जो भी फ़ोन हाथ में आ गया तो उसे पकड़ के ये। और एक्चुअली द बिग ड्रीम आई हैव, जो पहले था कभी, इट्स एनिमल रिपोर्टर। मुझे एनिमल्स से इतना ज़्यादा गाइस प्यार है, आई कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं बता सकती। मैं जहाँ पर भी डॉग, कैट्स, जहाँ पर भी देखती हूँ, आई एम गॉन मैड, पागल हो जाती हूँ। और मेरी सिस्टर को इस चीज़ से भी बहुत प्रॉब्लम है, उसको मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम है यार। तो हाँ, इसको मैं काट दूँगी। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि
एनिमल्स से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है, तो मुझे एनिमल रिपोर्टर बनने का शौक था. जैसे मैं देखती थी कि नेशनल ग्राफी पे आ रहे हैं अलग अलग किस्म के एनिमल्स, और लॉयन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, और अजीब अजीब तरह की चीज़ें, और मतलब कि जो नेचर ऑफ ब्यूटी है वो दिखाई जाती थी. तो आई लव दैट, मुझे बहुत पसंद था. और मुझे शुरू से शौक था कि मैं एक एनिमल रिपोर्टर बनूंगी, जो कि मैं बन नहीं पाई. उसके बाद जब मेरे पास स्कूलिंग लाइफ, जब मैं मतलब बड़ी क्लासेस में गई 9-10, तो ध्यान वैसे ही मेरा डाइवर्ज हो गया क्योंकि मेडिकल था और सारा माइंड वहीं पर रहता था. तो ऑफ कोर्स वहाँ से माइंड हटाने का टाइम नहीं मिलता था. उसके बाद जब कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरा तो बेड़ा ही कर रखो क्या. घर भी थोड़ा बहुत चेक करती थी, और स्टडी भी करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर्स तो जॉब करती थी. तो यस, मेरे को बहुत लाइक तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि घर को भी मैनेज करती थी और यस अपने स्टडीज़ को भी मैनेज करती थी. तो मैंने ना वो चीज़ें छोड़ दी थी. लेकिन अभी ही क्या नाम है उसका, जॉब करती हूँ तो ऑफकोर्स वहाँ पर भी टाइम नहीं मिलता मुझे व्लॉगिंग वगैरह करने का. थोड़ी बहुत टिकटॉक बना लेती हूँ, जो भी मेरी सिस्टर को अच्छी नहीं लगती. वो कहती है तुझे एक्टिंग नहीं आती करने, और तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता. तो मुझे व्लॉगिंग करने आता है, जो मैं करती हूँ बैठ कर, और कभी कभी कुछ वीडियोज़ बना लेती हूँ. पता नहीं आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती. यस, तो बनाती तो हूँ मैं. और रात को तो मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी मिला था कि मैं अच्छी व्लॉगर भी नहीं हूँ. तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाए. तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे किस जगह पे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और मैं अच्छी व्लॉगर हूँ या नहीं हूँ, और भी जो आपका दिल करे कह सकते हैं. लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा. और गाइज, एक बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मौसम ख़राब होने की वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है. तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत स्टार्ट की है. तो मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि अपनी स्किन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, प्लीज़ टेक केयर. मेरी पूरी स्किन टैन हुई है, पूरी की पूरी, दुबई में आने के बाद. मैं डैम फेयर लड़की थी बहुत ज़्यादा. मतलब अपने घर में मैं अच्छी थी, मतलब दिखने में वाइट जिसको कहते हैं ना, कलर होता है, वैसे थी मैं. बट अभी तो मेरा सत्यानाश हो गया है, मेरी पूरी स्किन टैन हो चुकी है क्योंकि मैंने केयर नहीं की दुबई में आने के बाद. मेरे को पता ही नहीं था यार कि मतलब मैं भी काली हो सकती हूँ. मतलब ऐसे ही मुँह उठा के बाहर निकल गए, कुछ भी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. मतलब कोई तमीज़ होती है यार. तो बस फिर जब केयर नहीं की जाती किसी चीज़ की तो वो ऐसे ही ख़राब होती है. और मेरे बाल भी, जब मैं छोटी थी तो मेरे बाल बहुत थिन थे, बट जब मैं थोड़ी 15-16 ईयर्स की एज में मैंने अपने बालों के, मतलब जब मैं इंसान कहते हैं ना अपने हाथ मुंह पे आ गया तो अब ये ठीक हो जाएगा, ऐसा टाइप का. तो मैंने अपने बालों का बहुत केयर करती थी, मेरी मम्मा बहुत केयर करती थी, ऑयलिंग करती थी, ये वो वगैरह वगैरह. तो मेरे बाल बहुत अच्छे शाइनी और सिल्की और थिक बाल थे मेरे यहाँ आने से पहले. यस, मैं यहाँ पर 2022 में प्रकट हुई थी, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे तो कभी कुछ नहीं हो सकता. तो यस, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और मुझे इतनी ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है नहीं है. तो थोड़ी बातें घर से बाहर जाके भी करनी चाहिए. तो क्योंकि मैं घर पर ही हूँ, अपने रूम पर हूँ, तो यस, मेरे को बाहर जाके वीडियोस बनानी चाहिए आप थोड़ी सी. तो मैं ये बोल रही थी कि मेरे पास बहुत सारे बातों का ना झमेला होता है लाइक करने के लिए, बट मेरे को टाइम नहीं मिलता बातें करने के लिए. बट जो भी जो बंदा मेरे साथ बैठ जाता है ना, वो बंदा सिर्फ सोच सकता है कि मैं कितनी बातें करती हूँ. पता है मेरी सिस्टर क्या करती है? अगर वो सुबह के टाइम मेरे साथ, मेरे ऑफिस टाइम पे वो जाग गई है ना, अगर मेरे जाने का टाइम है और मैं रेडी हो रही हूँ जल्दी 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 जल्दी, तो अगर वो जाग गई है गलती से, तो वो चूँ भी नहीं करती. चूँ क्योंकि उसको पता है एक बार अगर मेरे कानों में उसकी आवाज़ आई और मुझे पता चला कि वो जाग रही है, तो मैं वहीं से स्टार्ट होती हूँ. ऐसे मैं स्टार्ट करती हूँ बातें, जैसे मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं गाइस करने के लिए. लेकिन हाँ, डिपेंड करता है सामने कौन बैठा है, बंदा पसंद आना चाहिए. तो फिर तो मैं मतलब बोलती हूँ जितना भी मेरे सारे दिन का काम होता है, ये वो वगैरह वगैरह, तो मैं बोलती हूँ. लेकिन मैंने ये आदत थोड़ी कम कर दी थी क्योंकि मैं कैमरा के सामने बहुत ज़्यादा बातें करने लगी थी. जैसे अभी मैं आपको कह रही थी कि मैं अपनी सिस्टर की तरफ जा रही हूँ, लेकिन अभी मैंने कितनी सारी बातें स्टार्ट कर दी और कितनी सारी बातें मैंने की भी है. यस, और यही मेरा काम है, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है. और मैं
तो यस गाइस, फिर मेरा ये सारा कुछ तो चलता ही रहेगा और बातें तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, आपको पता ही है. तो यस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे. और यस, आई थिंक आज के लिए इतना व्लॉग काफ़ी है और वो जो मैं बाहर जाकर सिस्टर व्लॉग बनाऊँगी ना, वो मुझे किसी और दिन अपलोड करना चाहिए, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि 8 मिनट्स की वीडियो बनाने पर यूट्यूब पर मेरे को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो बना सकती हूँ, आई एम डैम श्योर. बट द थिंग इज दैट कि मेरे पास टाइम होना चाहिए यार, काम करने पड़ते हैं और फिर मुझे मूवीज़ देखने का भी बहुत शौक है. और आप लोग को भी होता होगा गाइस, आदत होती है, लाइक घर पे बैठे बैठे इंसान क्या करे, सोचता है क्या करे क्या करे क्या करे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. और मुझे तो मूवीज़ देखने की इतनी बुरी हैबिट है, और वो भी कोई नॉर्मल मूवी मैं नहीं देखना पसंद करती, हॉरर होनी चाहिए. देख कर ना बॉडी में करंट आना चाहिए, थ्रिल आना चाहिए, पावर आनी चाहिए, तो वो वाली मूवीज़ मैं मतलब पसंद करती हूँ और देखती हूँ. और मुझे बहुत शौक है हॉरर मूवीज़ देखने का और करने का भी. तो यस, मेरे भाई आ जाएंगे अभी, तो मेरे को नाश्ता बनाना है उनके लिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:47. यस, तो मेरे को, क्योंकि आज वो इधर आ रहे हैं, मेरे को पता नहीं था, मुझे सुबह उठते ये सरप्राइज़ मिला है. तो यस, मैं उनका वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आएंगे मैं उनको नाश्ता दूँगी, उसके बाद हम निकल जाएंगे टी के लिए लंच लेकर. तो यस, और कुछ रह तो नहीं गया. ओके गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय.